गुड इवनिंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग परसेंटेज को स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था, आपको बेसिक कुछ बताया था, है कि नहीं? तो बेसिक, और आपको मैंने एक टेबल दोस्तों दिया था याद करने के लिए। वो टेबल था परसेंटेज टू फ्रैक्शन, एटलीस्ट 1 to 20 का जो परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू, वो आपको याद होना चाहिए दोस्तों। वो अगर याद होगा तो फिर आपके लिए परसेंटेज बहुत ही आसान। परसेंटेज क्या, जितने भी टॉपिक है, जैसे प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, ये जितने भी टॉपिक है आपके लिए आसान हो जाएगा, आगे चल के आपको टाइम एंड वर्क आएगा, उसमें भी परसेंटेज का यूज होता है दोस्तों, ठीक है। तो आज के डेट में परसेंटेज मतलब मैथमेटिक्स होता है, रेशियो प्रोपोर्शन मतलब मैथमेटिक्स। ये जो चैप्टर आपका क्लियर है अच्छे से, तो फिर आप कोई भी चैप्टर को अच्छे से कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैंने रेशियो प्रोपोर्शन आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है, आज हम लोग परसेंटेज का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए दोस्तों। ये क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। If 37 1/2% of a number is added to itself, then resultant become 1320. क्या बोल रहा है? अगर 37 1/2% किसी नंबर का अपने से ऐड किया जाए, जो ओरिजिनल नंबर उससे ऐड किया जाए, तो रिजल्टेंट कितना होगा? 1320, ठीक है। तो फाइंड ओरिजिनल नंबर, आप भी इसको करिए दोस्तों। अगर ये आपका वैल्यू याद नहीं है तो फिर आपको बहुत परेशानी होने वाला है। ये छोटा मोटा क्वेश्चन करने में आप 1 मिनट लगा देंगे, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। देखिए, क्या हमें क्या पता है दोस्तों, 37 1/2% का वैल्यू कितना होता है बताइए? तो 3/8 होता है कि नहीं? अब देखिए, जब भी परसेंटेज दोस्तों दिया होता है, अगर आप उसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो जो डिनोमिनेटर होता है ये हमेशा ओरिजिनल नंबर को डोनेट करेगा, ठीक है। ओरिजिनल नंबर को हमेशा ही डोनेट करता है, ओके। तो दोस्तों क्या बोल रहा है, 37 1/2% यानी 8 का 37 1/2% कितना होगा? 3। तो 8 में जब 3 ऐड कर रहा है तो कितना हो रहा है? 11। और वही 11 का मान 1320 दिया है, ठीक है। तो ये कितना हो गया बताइए, 8 + 3 = 11, यानी 11/8 हो गया। तो 11 का मान कितना दिया है? 1320 दिया है कि नहीं? तो 1320 काटिए इसको, 120 आ जाएगा क्या? वन का मान आ गया 120। वन का मान जब 120 आ गया, आपको 8 का मान निकालना है। तो 8 का मान कितना आएगा? 12 8 96। कितना होता है? 12 96। तो आप क्या करेंगे, 8 का मान कितना आ गया? ओरिजिनल नंबर तो यही है ना, तो 8 का यहाँ क्या बोल रहा, फाइंड ओरिजिनल नंबर, तो यानी 8 का आपको मान निकालना है। तो 1 यूनिट अगर आपका 120 आ गया, तो 8 यूनिट कितना आएगा बताइए? तो 8 × 120 यानी कितना आ गया? 12 8 96 960, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। अगर दोस्तों आपको फ्रैक्शन याद नहीं है तो फिर आपको करने में बहुत ही परेशानी होगा, है कि नहीं? आप क्या करेंगे, पहले 100 लेंगे, है कि नहीं? फिर 100 में 1/37 1/2% ऐड करेंगे, यानी 1/37 1/2% हो गया, है कि नहीं? अब ये इक्वल टू 1320 करेंगे, 1320 करेंगे, फिर आप देखिए, आप इसको काटते रहिए आप, है कि नहीं? उसके बाद 100% निकालेंगे, तो फिर इसमें आपको टाइम लगने वाला है। मगर अगर दोस्तों आपको फ्रैक्शन याद है तो फिर ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा, है कि नहीं? तो आप देख ही रहे हैं एप्लीकेशन फ्रैक्शन का कितना ज्यादा एप्लीकेशन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करिए। ये क्वेश्चन भी उसी टाइप का है, मगर बस हाँ, प्रॉब्लम ये है कि आपको फ्रैक्शन वैल्यू आना चाहिए, परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू आना चाहिए, वरना दोस्तों आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। और मैं छोटा छोटा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, बच्चों वाला क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मैं आपको कुछ एक लेवल वाला क्वेश्चन ही कराऊंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, मगर ये लेवल वाला क्यों बन जा रहा है? इसके कारण इसका लेवल बढ़ जा रहा है कि नहीं? क्योंकि आपको इसका वैल्यू पता नहीं है, 62 1/2% कितना होता है, इसीलिए क्वेश्चन का लेवल बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमें क्या पता है, 62 1/2%, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए? 5/8, इसका वैल्यू क्या होता है? 5/8, है कि नहीं? क्योंकि हमें क्या पता है, 12 1/2 क्या होता है? 12 1/2 1/8% होता है, 12 1/2% 1/8 होता है, यानी 12
ट्वेल्व वन बाई टू को और फाइव से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 12/60 यानी 62% के करीब आता है, इसीलिए इसको हम 5/8 करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, वेन 62 1/2% ऑफ अ नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, यानी ओरिजिनल नंबर क्या है, इटसेल्फ क्या बोल रहा है, यानी ओरिजिनल नंबर, तो ये मेरा क्या है ओरिजिनल नंबर है वो से डोनेट कर रहे हैं, तो क्या बोल रहा है 62 1/2% ऑफ अ नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, यानी 8 का 62 1/2% कितना होता है 5 होता है, और इसी 5 को 8 से सब्सट्रैक्ट करने को बोल रहा है, तो 5 को 8 से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 3/8, 8 - 5 = 3 यानी 3/8 आ गया। और दोस्तों यही 3 का वैल्यू कितना दिया है 6321 दिया है, ये जो 3 है इसका वैल्यू कितना दिया है 6321। ठीक है, तो अब इसको काटिए कितना बार मिल जाएगा 3 2 6 3 1 3 2 1 0 7। ठीक है, आई थिंक 2 1 0 7 होगा इसका। ठीक है 2 1 0 9 3 3 7 21। ठीक है 2 1 0 7 आएगा। ठीक है, तो हमें 8 का वैल्यू, हमें 3 का वैल्यू दे दिया है 6321, यानी अब मेरा क्या आ गया दोस्तों 1 यूनिट का वैल्यू क्या आ गया 2107 आ गया, है कि नहीं, 1 यूनिट का वैल्यू मेरा 2107 आया, 1 यूनिट का वैल्यू 2107 आ गया। ठीक है, हमें चाहिए 8 यूनिट का वैल्यू, हमें क्या चाहिए 8 यूनिट का वैल्यू, तो आप क्या करेंगे 2107 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 8 से मल्टीप्लाई कितना होता है 56 का 6 5, ठीक है 0 8 + 0 + 5 1 8 8 2 16 यानी कितना आ गया 16856, और यही आपका आंसर होगा दोस्तों, है कि नहीं। तो दोस्तों है ना आसानी है, ये सब क्वेश्चन करने में कितना टाइम लग रहा है आपको, है कि नहीं, बहुत ही कम टाइम लग रहा है, मगर यही आपको अगर इस परसेंटेज टू फ्रैक्शन पता नहीं होगा और इसका वैल्यू आपको ये पता नहीं है कि 5/8 होता है, ठीक है, तो फिर आप इसको करते रह जाएंगे, है कि नहीं, आपको 1-1.5 मिनट आपको लग जाएगा, कर तो लेंगे इसको आप, मगर फिर आपको टाइम लगेगा क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, और इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, इस क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए। ठीक है, क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ कमोडिटी राइज फ्रॉम 6 kg to 7.50 per kg, क्या बोल रहा है, एक किसी वस्तु का प्राइस जो है मूल्य 6 रुपया प्रति केजी से 7.5 रुपया प्रति केजी हो रहा है। ठीक है, अगर बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर को सेम रखा जाए, एक्सपेंडिचर चेंज नहीं हो रहा है, तो बोल रहा है फाइंड रिडक्शन इन कंजप्शन, तो कंजप्शन में कितना आप रिड्यूस करेंगे। ठीक है, कंजप्शन में कितना आप रिड्यूस करेंगे, तो दोस्तों एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में शायद बताया था, अभी भी देख लीजिए। ठीक है, क्या है, हम लोगों को क्या पता है एक्सपेंडिचर क्या होता है दोस्तों, एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर इक्वल टू होता है कंजप्शन, कंजप्शन इंटू प्राइस, एक्सपेंडिचर क्या होता है कंजप्शन इंटू प्राइस। अब देखिए दोस्तों, अगर एक्सपेंडिचर मेरा अगर सेम रहेगा फॉर द सेम एक्सपेंडिचर, फॉर सेम एक्सपेंडिचर यानी एक्सपेंडिचर अगर मेरा सेम रहता है, एक्सपेंडिचर अगर सेम रहता है तो कंजप्शन अगर बढ़ेगा एक्सपेंडिचर सेम रहने का कंडीशन में, ठीक है, अगर मेरा कंजप्शन में अगर बढ़ाता हूं, कंजप्शन को अगर मैं इंक्रीज करता हूं, तो प्राइस क्या होगा मेरा, प्राइस रिड्यूस होगा। ठीक है, अगर मैं कंजप्शन को रिड्यूस करूंगा, अगर मैं कंजप्शन को रिड्यूस करूंगा तो मेरा प्राइस क्या होगा, प्राइस उसी रेशियो में उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज करेगा। ठीक है, देखिए कैसे इसको भी प्रूव करते हैं। ठीक है, देखिए हमें क्या पता है, मान लीजिए ईवन धर लीजिए एक्सपेंडिचर, इनिशियल एक्सपेंडिचर, इसको मैं फॉर्मूला है इसको आप देख लीजिएगा, तो चलिए इनिशियल मेरा एक्सपेंडिचर अगर ईवन होता है, ओके, तो ईवन क्या है, कंजप्शन को हम लोग दोस्तों क्वांटिटी भी लिख सकते हैं, कितना हम लोग खपत कर रहे हैं क्वांटिटी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कंजप्शन को क्वांटिटी इंटू प्राइस, ठीक है, पी, प्राइस को पी से डोनेट करते हैं, तो मान लीजिए अगर मेरा क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज कर रहा है, इनिशियल मेरा क्यू इनिशियल है और ये क्या है पी इनिशियल है, ठीक है, और ये ई इनिशियल है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अब जो दूसरा केस हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, दूसरा केस में भी जो एक्सपेंडिचर है मेरा इनिशियल जितना था उतना ही है, ठीक है, मगर अब क्या हो गया,
जो क्वांटिटी था, जो कंजप्शन हो गया, वो क्या हो गया दोस्तों, क्यू फाइनल हो गया, यानी इंक्रीज होकर क्यू फाइनल पहुंच गया। तो दोस्तों क्या पूछ रहा है, क्यू फाइनल हो गया और मतलब क्या है, ये इंक्रीज हो गया कंजप्शन, जो यानी क्वांटिटी जो है मेरा वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है दोस्तों, इंक्रीज कर रहा है और क्वांटिटी मेरा इंक्रीज कर रहा है, क्यू फाइनल इंक्रीज किया, तो मुझे पी फाइनल कितना होगा, पी फाइनल कितना होगा वो मुझे पता करना है। तो कैसे करेंगे, तो दोस्तों ये साफ साफ देखिए कि ये दोनों जब इक्वल है, ये दोनों इक्वल है तो इक्वेट कर लीजिए, तो क्या लिखेंगे, क्यू इनिशियल इंटू पी इनिशियल इक्वल टू क्यू फाइनल इंटू पी फाइनल, है कि नहीं। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं क्यू वन को, क्यू आई मेरा अगर इंक्रीज करेगा, अगर मेरा क्यू आई इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो पी आई क्या होगा मेरा, डिक्रीज करेगा, है कि नहीं। तो यहां पे देखिए सेम कंडीशन यहां पे है, अगर मान लीजिए क्यू एफ भी मेरा अगर इंक्रीज कर रहा है तो पी एफ क्या होगा, डिक्रीज करेगा, यही ना होगा, तभी तो ये वैल्यू दोनों कॉन्स्टेंट होगा क्या। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, पी फाइनल आप निकाल सकते हैं, पी फाइनल क्या होगा, तो पी फाइनल आपका हो जाएगा क्यू इनिशियल इंटू पी इनिशियल बाई क्यू फाइनल, ठीक है, ये आपका पी फाइनल का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये बस दोस्तों मैं आपको समझने के लिए एक बात बताया, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, अगर आपका कंजप्शन इंक्रीज कर रहा है तो क्वांटिटी क्या, प्राइस क्या होगा, उसी रेशियो में डिक्रीज करेगा, उसी प्रोपोर्शन में डिक्रीज करेगा, ठीक है। यानी देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, कॉमोडिटी का प्राइस 7-6 केजी से लेकर 6 केजी से क्या हो गया, पहले रुपीज 6 पर केजी था, अब क्या हो गया दोस्तों, रुपीज 7.50 पर केजी है, ठीक है, ठीक है। तो इसको क्या बोल रहा है कि इसके एक्सपेंडिचर को फिक्स रखा है, तो बोल रहा है उसके कंजप्शन में क्या रिड्यूस होगा, तो आप क्या इसका उल्टा, यानी 6 से 5 अगर प्राइस बढ़ रहा है तो कंजप्शन क्या होगा, कंजप्शन हो जाएगा 7.5 से 6 रुपया पर केजी, यानी 7.5 केजी था, अब क्या हो जाएगा, 6 रुपया हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोस्तों आपका जो खर्चा है वो तो सेम है, खर्चा क्या है आपका, सेम ही है ना, जब खर्चा आपका सेम रहेगा तो मान लीजिए अगर प्राइस आपका बढ़ जा रहा है तो आप क्या करेंगे, आप किसमें कमी करेंगे, तो क्वांटिटी में कमी करेंगे ना, तो यही पहले 6 रुपया पर केजी मिलता था तो 7.5 केजी हम लेते थे, अब 7.5 रुपया बढ़ गया है तो उसी प्राइस में हम क्या लेंगे, 6 केजी लेंगे अब, ठीक है। तो अब देखिए दोनों में कमी कितना है, तो 1.50 कितना कमी है, 1.50 का कमी है, ठीक है, 1.50 कमी है किसमें, तो 7.50 में, है कि नहीं। तो 100 में कितना होगा, यही आपको निकालना है क्या, इसको काटिए आप, तो कितना हो गया, यानी 100 बाई 15 3 जा 15 5 जा कितना होता है, 75, 15 5 75, यानी ये कितना बार में चला गया, तो 20%, यानी आपका आंसर क्या हो गया दोस्तों, 20% हो गया, समझे आप, नहीं समझे तो आपको मैं फिर समझाता हूं दोस्तों, आप बस ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक एक चीज आपके लिए यूजफुल है यहाँ पे, ठीक है, हर एक कॉन्सेप्ट नेसेसरी है। देखिए क्या किया मैंने, फिर से समझ लीजिए, हमने क्या किया अभी, हमें क्या पता है, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या दिया हुआ दोस्तों, पहले क्या था, प्राइस क्या था, 6 पर केजी, तो लिखे यहां पे प्राइस क्या था, 6 पर केजी, 6 इंटू कंजप्शन मेरा दिया नहीं है तो मैं कंजप्शन को क्या मान लेता हूँ, इनिशियल, क्यू इनिशियल मान लेता हूँ, ठीक है, क्यू इनिशियल मेरा इनिशियल क्वांटिटी, यानी कंजप्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है दोस्तों, दूसरा केस में क्या हो रहा है, दूसरा केस में एक्सपेंडिचर सेम ही रह रहा है, ठीक है, दूसरा केस में भी एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, सेम रह रहा है, मगर अब 6 रुपया पर केजी था, 6 रुपया पर केजी मिलता था, है कि नहीं, अब क्या हो गया, दाम बढ़ गया उसका, ठीक है, और अब 7.5 रुपया पर केजी हो गया, ठीक है, इनटू अब क्या है, क्यू फाइनल, ठीक है। अब दोस्तों आप क्या करेंगे, ये दोनों तो आपका इक्वल है, ये दोनों क्या है, एक्सपेंडिचर मेरा फिक्स है, जब एक्सपेंडिचर मेरा फिक्स होगा तो क्या हो गया, 6 इंटू QI इक्वल टू 7.50 इंटू QF, यही ना लिखेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, QI बाई QF कितना आ गया बताइए, तो 7.50 बाई 6, तो देखिए आपका क्या आ गया, उल्टा आ गया ना, यानी क्यू इनिशियल कितना हो गया, 7.50, और क्यू फाइनल क्या हो गया, 6, यानी
कंजप्शन में कितना चेंज हो रहा है, तो कंजप्शन में हो गया 7.5 केजी से लेकर, इनिशियल में 7.5 केजी था, अब कितना हो गया 6 केजी हो गया। ठीक है, तो यह आ गया है कि नहीं। तो चलिए आशा करता हूं यह आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। करने का आप कोशिश कीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसको पढ़िए और करने का कोशिश कीजिए, देखिए इसको करने में कितना टाइम लगता है दोस्तों। और अगर आपको रेशियो और परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है तो इस क्वेश्चन को करने में आपको ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो इसको जल्दी से करिए आप, ठीक है, पॉज कीजिए और इसको करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए हम लोग करते हैं दोस्तों। क्या दिया है, 2 नंबर आर इन रेशियो 2:3, 2 नंबर का रेशियो दिया है 2:3 में है। ठीक है, क्या बोला, इफ 20% ऑफ स्मॉलर नंबर, यानी आपको ये दोनों में से कौन सा स्मॉलर लगता है बताइए, कौन सा स्मॉलर होगा, तो ये वाला स्मॉलर होगा। तो क्या बोल रहा है, इसका 20%, ठीक है, और इसमें इसका 20% निकालिए और 20 ऐड करिए, ये किसके बराबर है, इज इक्वल टू सम ऑफ 10% ऑफ लार्जर नंबर, यानी इसका 10% प्लस 25 के बराबर है, यही तो बोल रहा है। तो आप इसको कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं कैसे किया जाएगा इसको। ठीक है, हमें क्या दिया है, 2:3 दिया है, क्या दिया है, 2:3 दिया है कि नहीं। तो दोस्तों 2 का 20% निकालना थोड़ा टफ होगा, है कि नहीं, फ्रैक्शन में आएगा, टफ तो नहीं होगा, फ्रैक्शन में आएगा, हमारे लिए अच्छा नंबर नहीं लगता है कि नहीं, यानी फ्रैक्शनल वैल्यू हमें पसंद नहीं है, हमें क्या चाहिए, एकदम बढ़िया सा है कि नहीं, इंटीग्रल नंबर चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है, 2:3 दिया है, तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको 20:30 लिख सकते हैं, है कि नहीं, 2:3 को 20:30 में लिख सकता हूं ना, 0 0 कट जाएगा तो 2:3 आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है, 20% ऑफ स्मॉलर वन, यानी इसका 20% कितना हो गया बताइए, 2 जा 4 1 2 जा 4, यानी इसका 20% कितना हो गया 4, इसका 20% कितना हो गया, 10% कितना है 2 है, 0 के बाद एक पॉइंट दीजिए तो 10% आ गया, यानी 10% 2 है कि नहीं, तो 20% 4 आएगा, तो 4 20% ऑफ स्मॉलर नंबर एडेड टू 20, यानी इसमें 4 में 20 ऐड कर दिया, ये किसके बराबर होगा बताइए, तो ये 10% ऑफ लार्जर नंबर, यानी ये जो बड़ा नंबर है इसका 10% कितना हो गया 3 प्लस कितना 3 and 25, यहां दिया है ना सम ऑफ 10 दिया है ना, इज इक्वल टू सम ऑफ 10% ऑफ लार्जर नंबर एंड 25। ठीक है, तो ये हो गया मेरा इक्वेशन। अब दोस्तों आप के मन में एक डाउट होगा कि सर आपने ये दोनों को ऐड क्यों नहीं किया, 4 + 20 ऐड क्यों नहीं कर दिया, तो दोस्तों मैं इसको ऐड नहीं कर सकता हूं, क्यों नहीं कर सकता हूं बताइए, क्योंकि दोस्तों देखिए मैंने 20% किसका माना है, इसका 20% माना है, 20% इसका माना है, तो ये जो मैंने माना ये तो मेरा ओरिजिनल वैल्यू थोड़ी है, मैंने बस एक मान लिया है कि नहीं, ये मैंने मान लिया है कि इतना है, ओरिजिनल वैल्यू नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो इसीलिए मैं, और ये 20 क्या है मेरा, तो 20 ओरिजिनल वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, 20 ऐड कर रहा है, तो इसीलिए मैं ये दोनों को ऐड नहीं कर सकता हूं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो 3 है मैं इसको इधर लेके आऊंगा, तो क्या होगा 4 - 3 हो जाएगा, है कि नहीं, 4 - 3 इक्वल टू क्या हो गया 25 - 20, यानी 25 - 20। अब ये दोनों को मैं सब्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि ये भी मेरा ओरिजिनल नंबर नहीं है और ये भी मेरा ओरिजिनल नंबर नहीं है, जो माना है वही नंबर है कि नहीं, इसका क्या था 20 का 20% 4 30 का 10% 3 है। ठीक है, तो 4 - 3 कितना हो गया, तो 1 का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, 25 - 20 कितना हो गया 5। तो दोस्तों 1 का मार अगर 5 आ गया, आपको क्या चाहिए था, स्मॉलर नंबर, फाइंड स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर आपका कितना था 20 था, लार्जर नंबर 30 है, तो स्मॉलर नंबर 20 है, नंबर 1 यूनिट का मान 5 है, तो 20 यूनिट का मान कितना होगा, तो 20 × 5 = 100, यानी 20 × 5 यानी 100, ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है, तो इसमें कितना टाइम लगेगा करने में, ये भी तो मैंने आपको बताया है, समझाया है, इसलिए टाइम हो सकता है 15-20 सेकंड या उससे ज्यादा भी लग गया होगा, मगर दोस्तों इसको करने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, देखिए आप, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन को देखिए और करने का कोशिश कीजिए, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, तो दोस्तों क्वेश्चन करने में, ये सब क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगता है, इसका बहुत सारा मेथड है। ठीक है, मगर हम और भी है कि नहीं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसका एग्जाम वाला मतलब बेस्ट से बेस्ट मेथड देखते जाएंगे, मगर अभी हम क्योंकि
परसेंटेज स्टार्ट कर रहे हैं तो हम इसका बेसिक समझेंगे दोस्तों, ठीक है। क्योंकि मैं दोस्तों मेरा काम है, मेरा मकसद है बेसिक सॉल्व करना। इसको सॉल्व करना होता तो दोस्तों मेरे लिए कोई बहुत बड़ा बात थोड़ी था, मैं इसको 2-3 सेकंड में सॉल्व करके चला जाता है कि नहीं। मगर क्योंकि मुझे आपको समझाना है, आपके दिमाग में बैठाना है कि नहीं, क्या कॉन्सेप्ट लगता है इसके पीछे, तो इसलिए मैं आपको ये समझाऊंगा। उसके बाद हम लोग एक सक्सेसिव वाला मेथड आता है, वो भी मेथड करेंगे, ठीक है। कि अगर लेंथ इतना इंक्रीज कर रहा है, ब्रेथ इतना डिक्रीज कर रहा है, तो परसेंट चेंज इन एरिया क्या होगा, तो सक्सेसिव मेथड से भी हो जाता है। और अभी हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज देखेंगे कॉन्सेप्ट क्या है इसका, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है दोस्तों, इफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाई 37%, ठीक है। अगर ये आपका रेक्टेंगल है, सॉरी ये अगर आपका रेक्टेंगल है, ठीक है, तो अगर इसका जो लेंथ है इसको अगर हम क्या बोल रहा है 37.1/2% इंक्रीज कर दिया, ठीक है, लेंथ को 37.1/2% इंक्रीज किया और ब्रेथ को क्या बोल रहा है डिक्रीज किया 20% से। ये जो ब्रेथ है इसको क्या किया दोस्तों, डिक्रीज किया 20% है, डिक्रीज किया 20% से डिक्रीज किया इसको, ठीक है, डिक्रीज किया गया। तो बोल रहा है कि परसेंटेज चेंज इन एरिया, एरिया में परसेंटेज चेंज कितना होगा यह आपको बताना है। तो दोस्तों क्या कॉन्सेप्ट क्या लगेगा इसके पीछे, आप बनाइए, पॉज करिए और बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। देखिए हमें क्या पता है दोस्तों कि एरिया इक्वल टू क्या होता है, एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ होता है कि नहीं। यानी रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये क्या है रेक्टेंगल है दोस्तों, ठीक है। क्या बोल दिया आपको कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो आप रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला जानते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है कि नहीं, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो अब देखिए लेंथ इनटू ब्रेथ करेंगे तो आपका एरिया आ जाएगा। तो इसको करने से पहले दोस्तों हम इसको x मान के भी कर सकते हैं, मगर आपका लेंथी हो जाएगा x मान के करेंगे, ठीक है। हमें x मान के नहीं, आप कर सकते हैं, ट्राई कीजिएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है, कोई बड़ा बात नहीं है। हमें क्या करना है, हमें परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में शायद समझाया है, आप देखिएगा उसी को अपनाना है, ठीक है। और फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, जैसे 37.1/2% अभी मैंने क्वेश्चन किया था कि नहीं, इंक्रीज इतना हो रहा है 37.1 किसी नंबर का 37.1/2% इंक्रीज होगा कितना हो गया था 1320 हुआ था, तो आपसे नंबर पूछा था, तो 37.1/2% कितना होता है दोस्तों। आप यहाँ भी देखेंगे ना, मैं जो करवा रहा हूँ तो यहाँ भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो 37.1/2% कितना होगा, ये हो जाएगा 3/8, कितना होगा 3, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 37.1/2% 3/8 होता है, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है दोस्तों, आपको क्या पता है डिनोमिनेटर हमेशा क्या होता है, ये ओरिजिनल नंबर होता है, यानी ओरिजिनल लेंथ। अगर लेंथ के टर्म में बोल रहा है तो ये ओरिजिनल लेंथ हो गया 8, 3 क्या हो गया दोस्तों, तो ओरिजिनल लेंथ माइनस फाइनल लेंथ होता है, ये क्या है फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ, 3 क्या है दोनों का डिफरेंस है, तो 8 में प्लस 3 ऐड करेगा तो क्या हो गया फाइनल लेंथ आ गया, यानी 8+3 कितना हो गया 11/8। तो दोस्तों अब क्या हो गया, 8 मेरा इनिशियल लेंथ है और ये फाइनल लेंथ है, ठीक है 11। तो क्या बोल रहा है दोस्तों एरिया में, उसको यहां लिख दीजिए, एरिया इक्वल टू हमें क्या पता है लेंथ इनटू ब्रेथ है कि नहीं। तब देखिए क्या बोल रहा है, लेंथ जो था ओरिजिनल अगर 8 था, मेरा ओरिजिनल अगर लेंथ 8 था तो 8 से कितना हो गया फाइनल 11 हो गया है कि नहीं, ये भी एरिया है और ये भी एरिया ही है, 8 से 11 हो गया मेरा लेंथ है कि नहीं, इनिशियल लेंथ था। अब ब्रेथ में कितना चेंज हुआ दोस्तों, तो ब्रेथ क्या हो रहा है, ये तो लेंथ इंक्रीज हो रहा था इसलिए 8 से 11 हो गया, 8+8+3 करेंगे तो 11 हो गया, यानी फाइनल लेंथ कितना 11 हो गया, क्यों, क्योंकि इंक्रीज कर रहा था। अब ब्रेथ क्या कर रहा है दोस्तों, डिक्रीज कर रहा है, कितना परसेंट 20% से, तो 20% का फ्रैक्शन मिल क्या होता है 1/5, तो अगर 5 मेरा इनिशियल, अगर 5 मेरा ब्रेथ क्या है, 5 मेरा अगर इनिशियल ब्रेथ होगा तो फाइनल ब्रेथ कितना होगा, क्योंकि डिक्रीज कर रहा है 20%, तो 5 का 20% कितना होता है 1, 5 का 20% अगर 1 होता है तो 5 में से 1 अगर आप करेंगे तो कितना हो गया 4 है कि नहीं, यानी 4 आ गया आपका फाइनल ब्रेथ आ गया है कि नहीं, इनिशियल ब्रेथ 5 और फाइनल ब्रेथ 4, तो ये दोनों को करेंगे तो कितना आ गया 8/5 = 40 और 11/4 = 44, यानी चेंज इन एरिया कितना आ गया, तो 40 से कितना हो रहा है, तो 40 से 44 हो रहा है, कितना का चेंज हो रहा है +4 का चेंज हो रहा है, किस में 40 में, तो 100 में कितना होगा 4 से 4 कट गया, यानी कितना आ गया बताइए
तो कितना परसेंट का चेंज आ गया दोस्तों, तो 10% का चेंज आ गया। कितना परसेंट का, तो एरिया में कितना परसेंट का चेंज आ गया, तो 10% का चेंज आ गया एरिया में। ये हो गया परसेंट चेंज इन एरिया, ठीक है। परसेंट चेंज इन एरिया कितना आ गया, 10%, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है इसमें, मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको हो गया परसेंटेज, अगर मान लीजिए चेंज दे दिया रेक्टेंगल हो, ठीक है, अगर परसेंटेज चेंज लेंथ और ब्रेथ दे दिया है, तो आपको परसेंट चेंज एरिया निकाल लेंगे। आप, मैंने आपको बता दिया फॉर्मूला क्या होता है, कि इसी ट्रिक से आपको करना है, ओके। सक्सेसिव चेंज से भी आप कर सकते हैं, आप सक्सेसिव जब मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद मैं बताऊंगा कैसे किया जाता है सब, ठीक है। अभी हम वो नहीं करेंगे, अभी बस आपको, क्योंकि दोस्तों हर एक कॉन्सेप्ट को आप सीखेंगे, क्योंकि आप जरूरी नहीं है कि आप जो एग्जाम पर्पस से जो फाइनल मेथड है वही आप सीख लें, इसके पीछे जो लॉजिक है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये दोस्तों अगर देखिए, ये तो मैंने रेक्टेंगल में बताया, अब अगर वही स्क्वायर होता, ठीक है, अगर मैं बोलूं कि एक स्क्वायर है जिसका जो साइड है, साइड को 40% से इंक्रीज किया गया, कितने परसेंट से, 40% से इंक्रीज किया गया, रेक्टेंगल स्क्वायर के साइड को 40% से इंक्रीज किया गया, तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, परसेंटेज चेंज इन एरिया, क्या पूछ रहा है आपसे, परसेंटेज चेंज इन एरिया पूछ रहा है, कितना होगा स्क्वायर में, ठीक है, चेंज इन एरिया, ओके। तो कैसे करेंगे दोस्तों, तो हमें क्या पता है स्क्वायर के लिए क्या होता है, स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर, ठीक है, साइड स्क्वायर यानी साइड इंटू साइड, है कि नहीं, इसको साइड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए क्या बोल रहा है, स्क्वायर का जो साइड है उसको 40% से इंक्रीज किया गया, तो मैंने क्या बोला आपको, फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए, तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो 40% को आप क्या लिख सकते हैं, 40% को क्या लिख सकते हैं बताइए, तो 40/100 लिख सकते हैं, कि नहीं, 2 और 5, है कि नहीं, तो 2/5, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, 20%, 40% पूछ रहा है, तो 20% कितना होता है, 1/5 होता है, तो 40% आपसे पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कितना हो गया, 2/5, यानी 40% क्या होता है, तो 40% को हम क्या लिखेंगे, 40% को 2/5 भी लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला था, जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है, इनिशियल वैल्यू को डोनेट करता है, तो अगर इनिशियल, अगर साइड मेरा 5 था, अगर इनिशियल मेरा साइड 5 था, ठीक है, तो फाइनल साइड मेरा कितना हो गया, क्या बोल रहा है, इंक्रीज हो रहा है, 40% इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो 40% जब इंक्रीज होगा, तो इनिशियल मेरा 5 था, तो 5 का 40% कितना होता है, 2 होता है, तो 5 में अगर हम 2 ऐड कर रहे हैं तो कितना हो गया, फाइनल चेंज कितना हो गया, तो फाइनल चेंज 7 हो गया, है कि नहीं, 5 से 7 हो गया, ठीक है। और ये एरिया और ये भी एरिया, तो एरिया हम कैसे निकालेंगे, अगर साइड, अगर मेरा इनिशियल 5 था, तो एरिया क्या हो गया, तो 5 स्क्वायर, है कि नहीं, यानी कितना, 25। अब यहां पे आइए, फाइनल मेरा जो साइड है वो कितना हो गया, 7, 5 से 2, 40% 5 का कितना होता है, 2, तो 5+2 कितना हो गया, 7, यानी फाइनल मेरा साइड कितना हो गया, 7, तो इसका एरिया कितना होगा, स्क्वायर, यानी कितना हो गया, 49, है कि नहीं, तो ये कितना हो गया बताइए, 15+9 कितना का, इंक्रीज कितना का है, तो ये 25 से 49 हो रहा है, यानी कितना का इंक्रीमेंट है बताइए, तो 24 का इंक्रीमेंट है, 24 का इंक्रीमेंट है किस पे, 24 का इंक्रीमेंट किस पे है, 25 पे, तो 100 पे कितना होगा, तो 25 चौक 100, यानी 24 फोल्ड कितना होता है, 96%, यानी परसेंटेज चेंज इन एरिया कितना हो गया, 96% आ गया, ठीक है। जो ये आपका स्क्वायर पे अगर क्वेश्चन आता है, ऐसे ही दोस्तों अगर सर्कल पे आता है तो सर्कल पे भी आप कर सकते हैं, कि नहीं, अगर सर्कल का रेडियस को अगर चेंज कर दिया जाए, ठीक है, तो आपको क्या पता है सर्कल का रेडियस क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, पाई आर स्क्वायर, ये तो कॉन्स्टेंट है, तो पाई को आप हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए रेडियस में अगर 10% इंक्रीज कर दिया जाए, तो परसेंटेज चेंज इन एरिया कितना होगा, आप निकाल लेंगे, है कि नहीं, आर स्क्वायर, यानी 10% कितना होता है, 10% को आप क्या लिखेंगे, 1/10, एंड इनिशियल मेरा कितना हो गया, रेडियस 10 था, तो 10 स्क्वायर कितना हो गया, 100, और 10% से इंक्रीज हो रहा है, यानी अब कितना हो गया,
इलेवन हो गया, 10+1 11, क्योंकि 10% से इंक्रीज कर रहा था, अब कितना हो गया 11, यानी अब एरिया कितना हो गया 121, ठीक है। तो आप देख लीजिए कितना परसेंट चेंज हो रहा है, यानी 100 से 121 हो रहा है, कितना 21 हो रहा है 100 पे, तो ये तो ऐसे ही 100 पे 21, यानी कितना चेंज हो रहा है 21% हो रहा है, आपको पता ही चल रहा है क्या। तो ऐसे आपको करना है, ये सक्सेसिव से और भी आसान हो जाएगा। सक्सेसिव जैसे देखिए कैसे लगता है, यहाँ बोल रहा है ना 40% का, मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूं, मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको 40। बहुत लोग सोच रहे हो कि ये सर क्या लंबा लंबा मेथड बता रहे हैं, सक्सेसिव में आपको बताऊंगा, मगर बस ये आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कैसे किया जाता है, ठीक है, सोचा कैसे जाता है। देखिए सक्सेसिव कैसे लगता है, अभी मैं आपको सक्सेसिव बारे में बताऊंगा, उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। 40% इंक्रीज हुआ, इसका मतलब क्या लिखेंगे, 40+40, ठीक है, +40×40/100, ठीक है, इससे ये है कि नहीं, यानी कितना हो गया 4×4=16, यानी 40×40=80, 80+16 कितना आ गया 96, यानी 96% डायरेक्ट आपका आ गया। ये तो और आसान है, मगर बस मैं आपको समझाने के लिए ये बता रहा हूँ, ठीक है, कि आप एटलीस्ट मान लीजिए अगर आप क्या हो गया एग्जाम आया, एग्जाम में आप ये फॉर्मूला ही भुला गया, तो अगर ये आपको पता होगा तभी तो आप इसको करेंगे, अगर ये पता ही नहीं हुआ तो आप इस फॉर्मूला के बेसिस पे ही जाएंगे और वहां भुला गए तो फिर एक मार्क्स आपका गया। तो इसीलिए आपको हर एक मेथड जानना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 16×3%, क्या बोल रहा है, प्राइस जो है, प्राइस जो है वो 16×3% से इंक्रीज कर रहा है किसी वस्तु का, ठीक है, किसी कॉमोडिटी का जो प्राइस है 16×3% इंक्रीज कर रहा है। तो हमें क्या पता है 16×3% कितना होता है, 16×3% कितना होगा बताइए, 1/6 होता है। तो क्या बोल रहा है, अगर प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो इनिशियल प्राइस अगर 6 होगा तो फाइनल प्राइस कितना हो गया, 6+1 7 हो गया दोस्तों। इनिशियल प्राइस अगर 6 होगा तो फाइनल प्राइस कितना हो गया, 7 हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड कंजप्शन इज डिक्रीज बाय 20%, कंजप्शन क्या बोल रहा है, जो खपत जो हम लोग खा रहे हैं, ठीक है, कितना केजी खा रहे हैं वो कितना परसेंट से डिक्रीज हो रहा है, तो 20% से डिक्रीज हो रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो कंजप्शन क्या होगा, अगर मान लीजिए किसी वस्तु का प्राइस अगर बढ़ रहा है तो कंजप्शन क्या होगा, इसलिए हमने क्वेश्चन भी किया था कंजप्शन मेरा खपत क्या होगा, वो कम होगा, डिक्रीज होगा, है कि नहीं। तो जब मेरा कंजप्शन जब डिक्रीज होगा, कब, ये कब का कैसे, जब एक्सपेंडिचर मेरा सेम रहेगा, जब मेरा एक्सपेंडिचर क्या रहेगा दोस्तों, सेम रहेगा, ठीक है। तो यहां पे मेरा क्या है, एक्सपेंडिचर मेरा, चलिए यहां पे एक्सपेंडिचर का कितना डिक्रीज, एक्सपेंडिचर मेरा यहाँ पे सेम नहीं है मगर फिर भी यहाँ पे डिक्रीज ही करेगा, ठीक है, एक्सपेंडिचर मेरा यहाँ पे सेम नहीं है, आपको वही निकालना है, ठीक है। हमने जो पहला केस किया था क्या किया था, उसमें मेरा एक्सपेंडिचर सेम था, यहाँ पे क्या कर रहा है आपको कितना डिक्रीज हो रहा है एक्सपेंडिचर में वो आपको बताना है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पे प्राइस भी इंक्रीज कर रहा है और प्राइस भी दे दिया और आपको क्वांटिटी भी दे दिया है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों ही इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है। तो जब दोनों इंक्रीज या डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, एक्सपेंडिचर भी आपका इंक्रीज और डिक्रीज करेगा उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखिए मेरा प्राइस क्या हो गया, 6 से 7 हो गया एक्सपेंड, और क्या है कंजप्शन मेरा डिक्रीज कर रहा है कितने परसेंट से, 20% से, 20% का क्या होता है फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। तो अगर मेरा इनिशियल जो क्वांटिटी है वह 5 था तो 5 से 1 घट के अब कितना हो गया, डिक्रीज कर रहा है 20%, जो इनिशियल क्वांटिटी अगर मेरा 5 था तो अब कितना हो गया, 4 हो गया। क्यों, क्योंकि 20% का वैल्यू कितना होता है, तो 1/5 होता है। तो 5 अगर मेरा इनिशियल वैल्यू, मैंने आपको क्या बोला डिनोमिनेटर हमेशा इनिशियल वैल्यू को डोनेट करता है, तो 5 अगर मेरा इनिशियल वैल्यू है तो फाइनल वैल्यू क्या हो गया, 1 डिक्रीज कर रहा है यानी 4 हो गया, 4/5, यानी ये फाइनल हो गया इनिशियल। तो वही मैं लिखा हूं इनिशियल 5 और फाइनल 4, ये भी इनिशियल क्या है, ये प्राइस है 6 है तो फाइनल क्या होगा 7, क्योंकि ये इंक्रीज कर रहा है और ये डिक्रीज कर रहा है, ठीक है।
तो हमें क्या पता है प्राइस इनटू क्वांटिटी क्या है, कंजम्पशन क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। ये ईवाई है और ये क्या है, ईएफ है, ई फाइनल है, ठीक है। तो देख लीजिए इंक्रीज और डिक्रीज कितना हो रहा है, आपको क्या निकालना है, परसेंटेज डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर, यानी एक्सपेंडिचर में कितना डिक्रीज हो रहा है, यही आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए क्या करेंगे, 6 5 कितना होता है 30 और 7 4 कितना होगा 28। कितना का इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, यानी इनिशियल मेरा 30 था, अब कितना 28 हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कितना का हो रहा है, तो 2 का डिक्रीज हो रहा है, 2 का डिक्रीज हो रहा है, किस पे, 30 पे। तो 100 पे कितना होगा, यानी कितना आ गया आपका आंसर 200/30%, और इसको काटिए तो कितना हो गया 20/3%। इसको आप क्या ले सकते हैं, डिक्रीज हो रहा है एक्सपेंडिचर में, यह आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों ये आपको डिफिकल्ट लग रहा है कहीं से भी, इसमें दोस्तों अगर मैं थोड़ा सा भी ट्विस्ट करता हूं तो फिर आपको देखिए प्रॉब्लम कैसे होता है। देखिए इसमें ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट क्या है कि अगर मैं बोल दूं कि जो एक्सपेंडिचर है एंड एक्सपेंडिचर डिक्रीज बाय 20% ही ले लीजिए, एक्सपेंडिचर को भी अगर मैं डिक्रीज करता हूं 20% से, ठीक है, एक्सपेंडिचर को भी मैं अगर डिक्रीज करता हूं 20% से, तो पूछ रहा है कि फाइनल इंक्रीज और डिक्रीज जो होगा एक्सपेंडिचर में वो कितना होगा, फाइनल इंक्रीज और डिक्रीज जो एक्सपेंडिचर में होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो इसको आप कर सकते हैं दोस्तों, इसको कर सकते हैं आप। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखिए बस इसको भी वही लगाएंगे फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, देखिए मुझे क्या पता है दोस्तों, एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर इक्वल टू होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी, यही ना होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है क्या। तो क्या बोल रहा है ये, एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, एक्सपेंडिचर 20% क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, यानी पहले ex था तो अब कितना हो गया दोस्तों बताइए, 20% डिक्रीज कर रहा है तो ये 80/100 हो जाएगा, है कि नहीं, 80/100 ex, ठीक है, इनिशियल का 80/100 हो गया है कि नहीं, डिक्रीज कर रहा है। उसके बाद अब ये प्राइस में देखिए, प्राइस में क्या बोल रहा है, 16/3% है कि नहीं, 16/3% कितना हो गया, तो हमने क्या बोला था 16/3% कितना होता है, तो 1/6 होता है कि नहीं, यानी कितना हो गया, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, यानी इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, 7/6 हो जाएगा, यानी ये कितना हो गया, 7/6 ऑफ प्राइस इंटू क्यू, कितना हो गया दोस्तों, क्यू कितना होगा, तो क्यू क्या होगा, क्यू भी डिक्रीज कर रहा है 20%, क्यू कितना है 20% डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब 4/5, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 4/5 ऑफ किसका, क्यू क्वांटिटी, ये प्राइस है और क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये हो गया आप, ठीक है, अब यहां से आप क्या करेंगे, सब इंक्रीज और डिक्रीज हो गया, ठीक है। दोस्तों मेरे क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, क्वेश्चन क्या पूछा था, और क्वेश्चन इसी टाइप का है, ठीक है, कि आपसे यहाँ पे फाइनल इंक्रीज या फाइनल डिक्रीज पूछ रहा है, ठीक है, कितना इंक्रीज हो रहा है और कितना डिक्रीज हो रहा है, तो यहां से आप निकाल सकते हैं कि नहीं, आप मतलब आपका जो मेथड है वो यही रहेगा दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा, मैं आगे तो मैं आपको आगे करवाऊंगा, मुझे एक्चुअली मेमोरी में याद करने की कोशिश कर रहा हूँ क्वेश्चन क्या था, ठीक है दोस्तों। तो जब याद आएगा क्वेश्चन तो मैं आपको करवाऊंगा इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। अभी मेरे को याद नहीं आ रहा कि क्या क्वेश्चन एक्चुअली पूछा गया था, क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए जब मेरे को याद आएगा तो मैं आपको क्वेश्चन परसेंटेज में करवाऊंगा दोस्तों, परसेंटेज तो अभी मेरा स्टार्ट है, ठीक है, मैं सोचा कि इसी में करवा दूं, मतलब मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन एक्चुअली था क्या, ठीक है। तो चलिए आगे हम क्वेश्चन को करेंगे, अभी तो मैंने जो बताया कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, ये मैंने कैसे किया आपको पता चल गया ना, है कि नहीं। चलिए अगर क्वेश्चन आगे मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बस कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट है तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट और फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होना चाहिए। अगर ये आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं है 57/7% 62% तो फिर आप ये क्वेश्चन आप स्किप कर जाएंगे एग्जाम हॉल में, मेरा गारंटी, आप एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन स्किप कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। सेल ऑफ सिनेमा टिकट इंक्रीज बाय 57/7%। ठीक है, सिनेमा टिकट का जो सेल है 57/7% से इंक्रीज कर रहा है, यानी 57/7% कितना होता है बताइए, कितना होता है। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, तो हमें क्या पता है 14/7% कितना होता है, तो 1/7 होता है कि नहीं, 14/7% 1/7 होता है, तो 14 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे 57 आएगा, तो आप क्या करेंगे, कितना मल्टीप्लाई करेंगे, तो 14 4 कितना होता है बताइए, 14 2 28 14 3 42 14 6 4 कितना होता है, तो 14 4 56 होता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कितना आ गया 4/7 आ गया, है कि नहीं, यानी 57/7% कितना आ गया 4/7। दोस्तों आप यहाँ भी देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है, मगर आपको देखना पड़ेगा। तो क्या बोल रहा है, सिनेमा टिकट का क्या हो रहा है, जो सेल है, सेल ऑफ सिनेमा टिकट इंक्रीज बाय 57/7%, यानी इनिशियल वैल्यू मेरा कितना है, इनिशियल वैल्यू और मेरा 7 है, तो फाइनल कितना हो गया 7+4 11, है कि नहीं, इनटू उसके बाद क्या बोल रहा है, प्राइस ऑफ टिकट इंक्रीज बाय 62/3%, तो 62/3% का आपको वैल्यू पता है 1/6 होता है, तो अगर ये भी इंक्रीज कर रहा है तो इनिशियल मेरा अगर 6 था तो फाइनल कितना हो गया बताइए, तो फाइनल 7 हो गया, है कि नहीं। और ये कितना होता है दोस्तों, यही रेवेन्यू होता है, यही क्या होता है, रेवेन्यू होता है। रेवेन्यू क्या होता है, यानी कितना टिकट सेल हुआ और उसका प्राइस, हर एक टिकट का प्राइस कितना है, तो यही रेवेन्यू आएगा टोटल, तो ये इनिशियल रेवेन्यू और ये कितना हो गया फाइनल रेवेन्यू, ये क्या हुआ फाइनल रेवेन्यू है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, आपको परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू निकालना है। 7 6 कितना होता है 42, 11 7 77, कितना का चेंज हो गया बताइए, तो 7 में से 2 जाएगा कितना हो गया 5, और 7 में से 4 जाएगा कितना 3, यानी 35 का चेंज हो गया 42 पे, तो 100 पे कितना होगा यही निकालना है, तो ये काटिए कितना में कटेगा 7 7 42 7